हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट रेसिपी होम किचन। कढ़ाई चिकन रेसिपी देखते हैं। जितना हम लोग चिकन बनाएंगे उतना हाफ में प्याज कट करके रखेंगे। तो मैंने 1 kg चिकन, आधा kg प्याज कट किया है। ये मैंने 4 पोट लहसुन को कूट रही हूँ, से बारीक से कूट लीजिएगा अच्छे से। ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको कूट के रख लिया। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे 1.5 चम्मच। अभी मैंने कढ़ाई को गर्म करने दे दिया है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें 250 ग्राम तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने दे देते हैं। ये मैंने फ़ोरन लिया है, 2 तेज़पत्ता और जीरा लेंगे हम लोग 1 चम्मच छोटी चम्मच से। ये हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम फ़ोरन डालेंगे। जीरा मैंने डाला है पहले, ऐसे पकने देंगे लाइट ब्राउन तक। इसमें तेज पत्ता डालेंगे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो चुका है, इसे मीडियम आंच पे ही रखेंगे। अब हम इसमें ऑनियन डाल देंगे। मैंने कटी हुई बारीक ऑनियन जो रखा था उसे हम डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैंने फैला के अच्छे से रख दिया ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाए अच्छे से। ये देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है लाइट ब्राउन। ऐसे ही लाइट ब्राउन करेंगे, 5 से 10 मिनट में लाइट ब्राउन हो जाता है। ये मैंने 10 मिनट बाद का दिखाया है। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे। मसाला डाल को हम लोग 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। मसाला को भी लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो चुका है मसाला। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद फैला के छोड़ देंगे। ये मैंने फैला के छोड़ दिया है। इसे 2-2 मिनट पे हम लोग इसे चलाते रहेंगे ताकि ये पीछे सटे ना। 2 मिनट हो गया, हम लोग इसके फिर से चला देंगे अच्छे से। देख सकते हैं मसाला हल्का फ्राई हो रहा है, इसे और फ्राई करेंगे। बहुत टेस्टी दिख रहा है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी नमक डालेंगे तो अच्छे से चिकन में मिल जाता है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे मैंने चला मिक्स करके अच्छे से थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया है। 10 मिनट तक हम लोग इसे फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं 10 मिनट हो चुका है और ये फ्राई भी अच्छे से हो चुका है। कितना अच्छा दिख रहा है, टेस्टी।
बहुत ज़्यादा यम्मी दिख रहा है। अब इसमें हम लोग मसाला डाल देंगे, चिकन मसाला। चिकन मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं कढ़ाई चिकन कितना टेस्टी दिख रहा है। उसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसे अच्छे से दाब देंगे ताकि सारा चिकन जो है फ्राई हो जाए अच्छे से। ये देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है। ये 5 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। डाल के हम इसमें पानी डालेंगे। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी खाना है और कितना गाढ़ा खाना है। ये देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है, बहुत टेस्टी। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये देख सकते हैं हमारा कढ़ाई चिकन बन के रेडी है, कितना टेस्टी दिख रहा है। लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट।